हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज की क्लास कैलकुलस की होगी और आज हम सेकंड एक्सरसाइज जो कर रहे थे उसको आज कंप्लीट करेंगे। और इसमें आज हम टॉपिक करने वाले हैं nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे यूज द पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स माइनस पी, एक्स माइनस क्यू, एक्स माइनस आर। इस तरह से अगर आपके पास एक्स की कोई भी टर्म डिवाइड बाय लीनियर आपके पास फ्रैक्शन है, एक्स माइनस पी, ये पावर हमारे पास एक्स की वन होनी चाहिए इसमें भी एंड इसमें भी, ठीक है। तीनों फैक्टर हमारे पास लीनियर यहाँ पे हैं और इनकी मल्टीप्लाई को हमें एडिशन में चेंज करना है, इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे लेके चलते हैं? दिस इज इक्वल टू ए अपॉन, ए इज एनी कॉन्स्टेंट, डिवाइड बाय एक्स माइनस पी, ठीक है। एक पार्ट हमने यहाँ पर ले लिया। सेकेंड, जितने यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई में फैक्टर्स हैं उतने आपके कांस्टेंट लेने हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे एक्स माइनस पी, एक्स माइनस क्यू, एक्स माइनस आर, देर आर थ्री जो पॉलिनोमियल्स हैं एक्स की मल्टीप्लाई में एंड लीनियर होने चाहिए, तो हम यहाँ पे तीन कांस्टेंट लेके चलेंगे, ठीक है। बी अपॉन एक्स माइनस क्यू एंड सी अपॉन एक्स माइनस आर। देन हम इनका एलसीएम लेते हैं और ए बी सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। और अगर मैं इसमें पुट कर लेती हूँ तो इस कंप्लीट की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में है डेनोमिनेटर, ये हमारे पास एडिशन में आ जाएगा सेपरेटली, ठीक है। अगर ये तो है फर्स्ट टाइप, अगर ये लीनियर में है, अगर ये पॉलिनोमियल स्क्वायर में आ जाती है, एक्स माइनस पी स्क्वायर, एक्स माइनस क्यू, देखिए यहाँ पर एक्स माइनस पी का हमने यहाँ पर स्क्वायर किया है, मीन्स एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस पी इज द सेम पॉलिनोमियल। दिस इज ए अपॉन एक्स माइनस पी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस पी स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस क्यू। इस तरह से आपको लेना है कि स्क्वायर वाले टर्म फर्स्ट इज वन पावर, सेकेंड टू पावर, एंड जो थर्ड फैक्टर रह जाता है यहाँ पे भी एक्स, जो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करती हूँ तो डिग्री आएगी थ्री, देन देर आर थ्री कॉन्स्टेंट्स। थर्ड इज एफ एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, मीन्स फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ क्वाड्रेटिक एंड सेकेंड इज लीनियर। मल्टीप्लाई करेंगे फिर थ्री डिग्री की आएगी यहाँ से, यहाँ से आपके पास कितनी भी डिग्री हो सकती है अगर ये क्वाड्रेटिक है, और ये आपके पास यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक हो सकती है, लीनियर है तो लीनियर। क्वाड्रेटिक अगर आ जाती है जिसके हम फैक्टर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको लेके चल रहा है बी एक्स प्लस सी, ए और बी ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। और जो लीनियर रह जाते हैं इसके लिए कांस्टेंट अलग से लेके चलेंगे सी अपॉन एक्स माइनस क्यू, ठीक है। फोर्थ इज, थ्री टाइप्स हो गए हमारे पास, फोर्थ टाइप अगर यहाँ पे जो हमने स्क्वायर पावर ली है, यहाँ पे थ्री फोर जितनी भी पावर आ सकती है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस पी क्यूब, एक्स माइनस क्यू एंड एक्स माइनस आर, देन इसको कैसे ओपन करना है? ए अपॉन एक्स माइनस पी, देर इज अ थ्री पावर है, पहले हम एक फैक्टर एक पावर लेंगे, बी अपॉन एक्स माइनस पी स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस पी क्यूब, फिर नेक्स्ट पॉलिनोमियल की बारी आती है एक्स माइनस क्यू, डी अपॉन एक्स माइनस क्यू एंड ई अपॉन एक्स माइनस आर। जितने डिग्री की पॉलिनोमियल बनती है उतने हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये मेथड होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के। क्वेश्चन एट्स, एन एन डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है वाई इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सी। ये हम पार्शियल फ्रैक्शन से ही करेंगे। सबसे पहले हम इसके फैक्टराइजेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, क्या फैक्टर बनेंगे इसके? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स, एक्स कॉमन लेंगे एक्स प्लस थ्री, देन टू एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देन वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वन अपॉन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ओके। यहाँ पे हमारे दो फैक्टर हैं पॉलिनोमियल जो हो आपके पास टू लीनियर पॉलिनोमियल, तो ए अपॉन
x प्लस टू एंड सेकेंड पॉलिनोमियल हम लेंगे बी अपॉन एक्स प्लस थ्री। अब आप उसको सॉल्व कैसे करना है वो देखिए, हम इसका एलसीएम लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड पे एलसीएम लेते हैं, एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री, ए इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू, एंड राइट हैंड साइड पे चल रहा है वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, ठीक है जी, प्लस था यहाँ पे एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस टू प्लस है ही, देन दिस इज सेम टर्म कैंसिल आउट, वन इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू। नाउ वी हैव वैल्यूज ऑफ, हमें ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, देन वी पुट एक्स इक्वल टू, फर्स्ट वी पुट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, बिकॉज यहाँ पे माइनस थ्री रखेंगे फैक्टर जीरो हो जाएगा एंड यहाँ से हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी, ओके, देन लेफ्ट हैंड साइड इज अ वन इक्वल टू, जैसे आप माइनस थ्री रखते हो ये जीरो फैक्टर, प्लस यहाँ पे माइनस थ्री रखा हमने बी इंटू माइनस वन, वन इक्वल टू माइनस बी इम्प्लाइज दैट बी की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस वन। सेकेंड एक्स को हम माइनस टू लेके चलेंगे, अब ये पता कैसे चलेगा कि जो आपके पास मल्टीप्लाई में है आप उनको जीरो बनाइए, फर्स्ट हम बी को जीरो बनाएंगे तो एक्स को माइनस टू रखती हूँ तभी यहाँ पे बी वाला फैक्टर जो कंप्लीट जीरो बनेगा एंड ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। वन इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पे वन ही है, एक्स को माइनस टू रखा हमने यहाँ पे, देन ए इंटू माइनस टू प्लस थ्री वन प्लस जीरो मीन्स ए की वैल्यू आ गई हमारे पास वन, ठीक है, पुट दिस वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन दिस, एंड वाई की वैल्यू जो हमारे पास थी इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया एंड यहाँ से हम ए की वैल्यू रखेंगे वन अपॉन एक्स प्लस टू एंड बी की वैल्यू माइनस वन है, देन माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, ये हमारे पास अब वाई की वैल्यू आ जाती है, हमें इसका nth डेरिवेटिव चाहिए, तो nth आपने ही पढ़ रखा है कि वन अपॉन इफ़ वाई इज इक्वल टू वन अपॉन ए एक्स प्लस बी, देन वाई एन हमने क्या पढ़ा था इसका nth डेरिवेटिव जो स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने आपको करवाया था, वाई एन इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू पावर एन एन फैक्टोरियल ए रेज टू पावर एन डिवाइड बाय ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन प्लस वन, ठीक है, देन इसको कंपेयर कीजिए इस फैक्टर से, देन एक यहाँ पे x का मल्टीपल है, देन x का मल्टीपल इज अ वन, ये हमारे पास y की वैल्यू चल रही है, देन हम यहाँ से वाई एन अगर फाइंड आउट करते हैं तो वन अपॉन एक्स प्लस टू का आप डायरेक्ट एन एन डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, माइनस वन रेज टू पावर एन एन फैक्टोरियल ए इज अ वन वन रेज टू पावर एन डिवाइड बाय एक्स प्लस टू एन प्लस वन पावर माइनस ऑफ यहाँ पे एन एथ अप्लाई करेंगे, देन माइनस वन रेज टू पावर एन एन फैक्टोरियल वन रेज टू पावर एन एंड एक्स प्लस थ्री रेज टू पावर एन प्लस वन, ठीक है, माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल इंटू वन अपॉन कॉमन ले लेते हैं वन अपॉन एक्स प्लस टू रेज टू पावर एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री रेज टू पावर एन प्लस वन, दिस इज द nth डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो इस तरह से आपको फैक्टराइजेशन करके बाय पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करके और इसको अलग अलग टर्म में कन्वर्ट कर लेना है और nth डेरिवेटिव अप्लाई कर देना। एट्थ का सेकेंड पार्ट भी आपको ऐसे ही करना है, इसके आप फैक्टर बना सकते हो x माइनस ए एक्स प्लस ए, ओके, इसको आप लेके चलोगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए, बाकी सारा प्रोसीजर एज इट इज करना जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर फोर अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, दिस इज a अपॉन जो फ्रैक्शन आपको लेने x माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है, देन टेक एलसीएम, लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा है x रेज टू पावर फोर अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एंड दिस इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे इधर से हम राइट हैंड साइड पे x माइनस वन एक्स माइनस टू ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन, ओके, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाता है, इधर से आ जाएगा x रेज टू पावर फोर ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन, फिर से वही हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, देन फर्स्ट वी पुट एक्स इक्वल टू टू एंड सेकेंड बी एक्स इक्वल टू वन पुट कर लेंगे, एक्स इक्वल टू टू रखते हैं, देन दिस फैक्टर इज जीरो एंड लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या चल रहा है एक्स रेज टू पावर फोर मीन्स टू रेज टू पावर फोर,
ये फैक्टर जीरो हो जाएगा एंड दिस इज टू माइनस वन इज अ वन, यहाँ से बी आ जाएगा, देन बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16, ठीक है। एंड एक्स इक्वल टू वन पुट करते हैं, वन रेज टू पावर फोर इज अ, यहाँ से वन माइनस ए, दिस इज अ जीरो एंड ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। देन जो वाई की वैल्यू है आपके पास, वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर फोर अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, दिस इज इक्वल टू ए की वैल्यू रखी यहाँ पे माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, प्लस बी की वैल्यू रखते हैं, बी इज अ 16, बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे एक्स माइनस टू। नाउ वी सॉल्व डिफ्रेंशिएट एन एन टाइम मीन्स एन डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, ये फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, कौन सा, वाई इक्वल टू वन अपॉन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। एन डेरिवेटिव क्या निकाला था हमने इसका, माइनस वन रेज टू पावर एन एन फैक्टोरियल ए रेज टू पावर एन डिवाइड बाय ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन प्लस वन, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ पे अब करते हैं एक्स का मल्टीपल आपको चेक करना होता है, यहाँ पे वन है, देन माइनस माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल, वन रेज टू पावर एन इज अ वन, एक्स माइनस वन रेज टू पावर एन प्लस वन, प्लस 16 इंटू माइनस वन रेज टू पावर एन एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एक्स माइनस टू रेज टू पावर एन प्लस वन, कॉमन निकाल लीजिए, माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल, दिस इज ये पॉजिटिव टर्म है, इसको आप इधर लिख लेते हैं, 16 अपॉन एक्स माइनस टू रेज टू पावर एन प्लस वन, एंड ये नेगेटिव, ये कंप्लीट इज अ कॉमन, वन अपॉन एक्स माइनस वन रेज टू पावर एन प्लस वन, दिस इज द आंसर एंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट। ये भी आपको एज इट इज ही करना है, थोड़ा हिंट दे देती हूँ मैं इनका, इसको आप लिखोगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टू टू एक्स प्लस थ्री, ए अपॉन एक्स प्लस टू प्लस बी अपॉन टू एक्स प्लस थ्री, यहाँ से फिर से एलसीएम लेके चलोगे, ए इंटू टू एक्स प्लस थ्री प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू डिवाइड बाय एक्स प्लस टू टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। इधर आप रखेंगे एज इट इज एक्स प्लस टू टू एक्स प्लस थ्री, कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू टू एक्स प्लस थ्री प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू। अब यहाँ पे आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो एक बार एक्स को आप माइनस पुट करेंगे माइनस टू, एंड सेकेंड इज एक्स को रखेंगे जिससे ये फैक्टर जीरो हो जाए माइनस थ्री बाय टू, ठीक है। पुट करके ए बी की वैल्यू निकालेंगे एंड वापस यहाँ रखेंगे एंड ये कॉन्स्टेंट आ जाएगा, फिर हम एन डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। एज इट इज़ ये भी ऐसे ही करना है आपको, पहले इसके फैक्टर बनाइए, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री, मल्टीप्लाई इज माइनस 18 एंड एडिशन इज माइनस 7, ये आ जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री, देन सिक्स सॉरी यहाँ से कॉमन लेंगे हम, थ्री एक्स टू एक्स माइनस थ्री एंड प्लस वन टू एक्स माइनस थ्री, फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास टू एक्स माइनस थ्री एंड थ्री एक्स प्लस वन। यहाँ से लेके चलते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाय इस जो आपके पास ये दे रखे थे डेनोमेटर, ये हम पुट कर सकते हैं टू एक्स माइनस थ्री एंड थ्री एक्स प्लस वन, दिस इज इक्वल टू a अपॉन टू एक्स माइनस थ्री बी अपॉन थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फिर से एलसीएम लेना है एंड x की जो वैल्यूज है a और b की वैल्यूज है ये फाइंड आउट करनी है, b इंटू टू एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाय एलसीएम लेंगे 3x प्लस वन, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये चल रहा है, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट, दिस इज x प्लस वन इक्वल टू 3x प्लस वन इंटू a प्लस b इंटू टू एक्स माइनस थ्री, एंड यहाँ पे आप x को सबसे पहले माइनस वन बाय थ्री पुट कर सकते हैं, ये फैक्टर जीरो हो जाएगा, एंड सेकेंड टाइम x को आप रखेंगे थ्री बाय टू बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे थ्री बाय टू लेंगे, ठीक है। जैसे आप ये वैल्यूज पुट करते हैं हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, देन आप पुट करेंगे हेयर
इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, ए और बी की वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट करेंगे एंड ये जो वैल्यू आएगी वाई इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू आप है ए की वैल्यू बी की वैल्यू खुद पुट कर लेना, ए अपॉन टू एक्स माइनस थ्री। अगर मैं इसका एनर डेरिवेटिव यहाँ पे वैल्यूज़ आप पुट कर लेना इसमें, मैं ऐसे ही सिंपल बता रही हूँ आपको, प्लस बी अपॉन थ्री एक्स प्लस वन। देन यहाँ से जब आप वाई एन फाइंड आउट करेंगे तो एनर डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ से हम कंपेयर करते हैं एक्स का मल्टीपल, ठीक है, ए की वैल्यू इज अ टू, देन माइनस वन रेज टू पावर एन, एन फैक्टोरियल टू रेज टू पावर एन, एंड जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में होता है रेज टू पावर एन प्लस वन। ओके, एज इट इज यहाँ पे बनेगा प्लस ऑफ, प्लस यहाँ पे करते हैं तो माइनस वन रेज टू पावर एन, एन फैक्टोरियल, एंड एक्स का मल्टीपल यहाँ पे थ्री है, देन ए की वैल्यू थ्री हो जाएगी, थ्री रेज टू पावर एन डिवाइड बाई थ्री एक्स प्लस वन रेज टू पावर एन प्लस वन। ठीक है, तो ये था आठवां क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नाइन्थ इज, इसको भी आपको बाय पार्शियल फ्रैक्शन ही सॉल्व करना है और हमें एनर डेरिवेटिव भी प्रूव करना है, तो प्रोसीजर इसका भी सेम ही रहेगा, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। आइडेंटिटी ओपन कर लेते हैं, ये आपके पास दे रखा है एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस टू, ये इसलिए दे रखा है ताकि अगर हम यहाँ पे टू वैल्यू पुट करते हैं चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो तो इन्फिनिटी आंसर देगा, इसलिए एक्स की वैल्यू प्लस माइनस टू के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ओके, इसको हम लेके चलेंगे ए अपॉन एक्स माइनस टू प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू, एलसीएम लेंगे यहाँ से, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू, इससे कैंसिल, देन एक्स प्लस वन इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू। अच्छा, ए वाला फैक्टर प्लस का है एंड बी वाला माइनस का है। ठीक है, अब हमें ए की और बी की वैल्यू चाहिए तो हम फर्स्ट हम पुट करेंगे एक्स को टू एंड सेकेंड इज एक्स को माइनस टू। जैसे आप एक्स को टू पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज थ्री इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने टू रखा इंटू फोर ए प्लस दिस इज ज़ीरो, ए इज फोर बाय सॉरी थ्री बाय फोर। एक्स को माइनस टू रखते हैं, माइनस टू प्लस वन इज अ माइनस वन इक्वल टू दिस इज फैक्टर इज अ ज़ीरो प्लस दिस माइनस टू एंड माइनस टू बी इंटू माइनस फोर, बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वन बाय फोर। देन वाई बिकम्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम, ए की वैल्यू है थ्री बाय फोर, थ्री बाय फोर इंटू वन अपॉन एक्स माइनस टू, एंड बी इज वन बाय फोर इंटू एक्स प्लस टू। ये होता है पार्शल फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई में थे यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स, इसको हमने एडिशन में चेंज कर लिया बिकॉज यहाँ पे हम एनर डेरिवेटिव फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, वाई एन इज इक्वल टू थ्री बाय फोर माइनस वन रेज टू पावर एन एन फैक्टोरियल, ए यहाँ पे एक्स का मल्टीपल इज अ वन, वन रेज टू पावर एन वन ही होता है, एक्स माइनस टू रेज टू पावर एन प्लस वन, एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन रेज टू पावर एन एन फैक्टोरियल, इसका भी मल्टीपल वन है तो लिखो ना लिखो वन ही होता है, एक्स प्लस टू एन प्लस वन। जो प्रूव करना है वहाँ पे चेक करते देखिए, माइनस वन रेज टू पावर एन एन फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकते हो, वन बाय फोर इज अ कॉमन एंड माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई फोर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा थ्री अपॉन एक्स माइनस टू रेज टू पावर एन प्लस वन प्लस ऑफ यहाँ से रह जाएगा वन एक्स प्लस टू रेज टू पावर एन प्लस वन। यही आपको प्रूव करना था, दैट्स क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टेंथ इज द फर्स्ट पार्ट, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन, ये माइनस है यहाँ पे, एक्स माइनस वन क्यूब एक्स प्लस वन, इसको आप कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे एक्स माइनस वन क्यूब आ रखा है तो एक्स माइनस वन क्यूब एक्स प्लस वन, जो डिनोमिनेटर है जैसे डिग्री ऑफ फोर आ जाएगी, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर डिग्री पॉलिनोमियल बनेगी, तो हमारे पास चार कॉन्स्टेंट होने चाहिए, ए अपॉन एक्स माइनस वन सबसे पहले इसकी वन पावर, फिर बी अपॉन एक्स माइनस वन सेकेंड पावर, सी अपॉन एक्स माइनस वन थ्री पावर, तब तक लेते जाना है जब तक हमारी पावर जितनी गिवन है कंप्लीट नहीं हो जाती, एंड फोर्थ जो आपके पास पॉलिनोमियल है डी अपॉन एक्स प्लस वन। ओके, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आज इट चलता रहेगा, एक्स माइनस वन क्यूब एक्स प्लस वन, एंड इधर से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा क्यूब
ग्रेटर पार्ट एंड एक्स प्लस वन ए इंटू, यहाँ पे जब आप एलसीएम लेते हैं वन पावर इज अ कैंसिल, एक्स माइनस वन स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, एंड हेयर बी इंटू स्क्वायर से थ्री पावर कैंसिल करेंगे एक पावर रह जाती है एक्स प्लस वन, एंड हेयर ये दिस इज कैंसिल एंड सी इंटू एक्स प्लस वन एंड डी इंटू एक्स माइनस वन क्यूब। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वन स्क्वायर एक्स प्लस वन, बी इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन एंड डी इंटू एक्स माइनस वन क्यूब। अब यहाँ पे आपको चार कॉन्स्टेंट की वैल्यू चाहिए ए बी सी डी। फर्स्ट एक्स को हम वन पुट कर सकते हैं एंड एक कॉन्स्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए एक्स को जैसे ही आप वन पुट करेंगे ये फैक्टर जीरो, यहाँ पे वन रखेंगे वन माइनस वन इज जीरो, दिस इज ऑल्सो जीरो एंड दिस इज ऑल्सो जीरो, सिर्फ सी की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी। तो यहाँ से जब एक्स को वन पुट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे वन स्क्वायर दिस फैक्टर इज अ जीरो प्लस दिस ऑल्सो, बी का मल्टीपल भी जीरो एंड सी वन पुट किया हमने वन प्लस वन इज अ टू एंड दिस इज ऑल्सो जीरो, वन इक्वल टू टू सी एंड सी इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, फिर x को हम पुट कर सकते हैं माइनस वन बिकॉज x प्लस वन भी फैक्टर है हमारे पास, तो x को माइनस वन पुट करेंगे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा एंड दिस ऑल्सो जीरो, ये फैक्टर बचेगा। यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ माइनस वन स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पर चल रहा है, जीरो जीरो प्लस जीरो इक्वल टू डी इंटू माइनस वन रखा है हमने माइनस वन क्यूब, माइनस वन स्क्वायर इज अ वन इक्वल टू डी इंटू माइनस टू क्यूब, डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस वन अपॉन एट। ठीक है, अब हमें दो कॉन्स्टेंट की वैल्यू मिल जाती है सी एंड डी। अब ए और बी की वैल्यू चाहिए, अब यहाँ पे आप इट कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं एनी न्यूमेरिकल वैल्यू एनी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी। तो एक्स को मैं यहाँ पे ले लेती हूँ जीरो। ठीक है, जैसे आप जीरो रखते हैं जीरो इक्वल टू ए इंटू ए, हमने जीरो रखा है यहाँ पे एक्स के प्लेस में, देन माइनस वन स्क्वायर इज अ वन एंड यहाँ पे जीरो रखेंगे वन, वन इंटू वन इज ए ही रहेगा प्लस यहाँ पे जीरो रखा एंड यहाँ पे माइनस वन इंटू वन माइनस बी, तो यहाँ पे हम रख देंगे इसको माइनस बी एंड सी इंटू सी इंटू जीरो रखेंगे सी रहेगा एंड यहाँ पे रखेंगे हम जीरो माइनस वन क्यूब इज अ माइनस डी। ठीक है, सी और डी की वैल्यू हमें पता है, सी इज अ हाफ सी ए माइनस बी माइनस हाफ एंड डी इज अ माइनस वन बाई एट, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ए और बी की यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे माइनस हाफ प्लस वन बाई एट माइनस फोर प्लस। हमने एक्स को वन पुट किया माइनस वन जीरो एंड अब हम एक्स को टू पुट कर सकते हैं, टू रखेंगे यहाँ पे एक्स को टू पुट करेंगे देन टू स्क्वायर इक्वल टू टू माइनस वन इज अ वन ए हो जाएगा यहाँ से एंड ये हो जाएगा टू माइनस वन जो वन एंड टू प्लस वन इंटू थ्री ये आ जाएगा थ्री ए। ठीक है, यहाँ पे टू रखिए टू माइनस वन वन हो जाएगा एंड टू प्लस वन इज थ्री प्लस थ्री बी एंड टू प्लस वन इज थ्री सी प्लस थ्री इंटू सी की वैल्यू भी रख देते हैं हम, सी इज हाफ थ्री बाय टू एंड यहाँ पे सॉल्व करेंगे डी इज माइनस वन बाई एट एंड टू माइनस वन इज एक्स को हम टू रख रहे हैं टू माइनस वन इज अ वन वन क्यूब ये आ जाएगा माइनस डी की वैल्यू रखेंगे वन बाई एट एंड टू माइनस वन इज वन हो जाएगा तो ये आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लेते हैं फोर थ्री ए प्लस थ्री बी थ्री बाय टू माइनस वन बाई एट इसको सॉल्व करेंगे एल माइनस वन बाई एट दिस इज इलेवन बाई एट हो जाएगा चार बारह हाँ ठीक है और फिर इसको सॉल्व करते हैं थ्री ए प्लस थ्री बी दिस इज इक्वल टू फोर माइनस इलेवन बाई एट दिस इज ट्वेंटी वन बाई एट एंड थ्री कॉमन निकाल के डिवाइड कर लो ए प्लस बी इक्वल टू थ्री से डिवाइड करते हैं यहाँ पे सेवन बाई एट आ जाएगा दिस इज इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इक्वेशन सेकेंड आ रही है ए प्लस बी इक्वल टू
सेवन बाई एट, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे और ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। ऐड करते हैं देन टू ए, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, थ्री बाई एट प्लस सेवन बाई एट, दिस इज टेन बाई एट एंड फाइव बाई फोर, ए इज इक्वल टू फाइव बाई एट, ए की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, एंड इसको माइनस करेंगे, दोनों को माइनस कर लेते हैं, देन ए से ए कैंसिल, माइनस टू बी इक्वल टू थ्री बाई एट माइनस सेवन बाई एट, दिस इज इक्वल टू माइनस फोर बाई एट माइनस हाफ, माइनस से माइनस कैंसिल, बी इज इक्वल टू वन बाय फोर। ए बी सी डी सब की वैल्यू मिल गई आपको, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू इज फाइव बाई एट यहाँ पे पुट कर लेते हैं, बी इज, बी की वैल्यू अभी हमने ये रही, बी इज वन बाय फोर, वन बाय फोर, सी की वैल्यू हाफ वन बाय टू एंड डी इज माइनस वन बाय एट, वन बाय एट। अब इसका आपको एन डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, एज इट इज़ वैसे ही करना है। फर्स्ट फैक्टर ये हो जाएगा, यहाँ पे आप अप्लाई करोगे y इक्वल टू वन अपॉन ए एक्स प्लस बी का जो एन डेरिवेटिव है एज इट इज़, हर एक फैक्टर का आपको। देन एन डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट n टाइम्स, देन वी गेट y n इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें यहाँ इसको जो हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे अलग अलग आप अप्लाई कर सकते हो, y इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे पावर वन है तो इसका हमने क्या निकाला था, एन डेरिवेटिव। अगर ये जो ए बी सी डी की वैल्यूज़ हैं कोई करेक्शन अगर मिस्टेक हो गई तो करेक्शन कर लेना, जो कैलकुलेशन हो थोड़ी सी लंबी थी तो ये वैल्यूज चेक कर लेना, दोबारा से निकलेंगे इसी मेथड से। ठीक है, वाई एन इज़ अ फाइव बाई एट इंटू माइनस माइनस वन रेज टू पावर एन, एन फैक्टोरियल एंड वन की पावर इज अ वन, एक्स माइनस वन रेज टू पावर एन प्लस वन, प्लस वन बाय फोर, इस फैक्टर का करते हैं माइनस वन रेज टू पावर एन, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर पावर है, यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर वन थी, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, स्क्वायर पावर है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एन प्लस वन, एक एक ऐड हो जाएगा फैक्टोरियल डिवाइड बाय, और माइनस वन की पावर एन एज इट इज रहेगा बिकॉज सारे के जो सारे आपके पास वन अपॉन में चल रहे हैं, एक्स माइनस वन रेज टू पावर एन प्लस वन है, एन प्लस टू हो जाएगा, यहाँ पे एन था एन प्लस वन फैक्टोरियल। ओके, एंड प्लस हाफ, इसका आप करते हैं माइनस वन रेज टू पावर एन, एन यहाँ पे थ्री पावर है, फैक्टर सेम चल रहा है हमारे पास, एन प्लस वन है तो एन प्लस टू फैक्टोरियल डिवाइड बाय एक्स माइनस वन, एंड यहाँ पे आ जाएगा एन प्लस थ्री, एन प्लस टू सेकेंड पावर के लिए और थ्री के लिए एन प्लस थ्री। ठीक है, एंड माइनस लास्ट का करते हैं, माइनस वन रेज टू पावर एन, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एक्स प्लस वन रेज टू पावर एन प्लस वन, देन जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लीजिए, माइनस वन रेज टू पावर एन, एन फैक्टोरियल यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, एंड ये आपका आ जाएगा एन डेरिवेटिव। ठीक है, जो सेकेंड पार्ट दे रखा है ये भी आपको ऐसे ही कर रहे हैं, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ इसका भी, वाई इज इक्वल टू वन अपॉन जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, आइडेंटिटी ओपन कर लीजिए, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, एंड एक्स स्क्वायर माइनस बी इज एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए, इसको आप लिखोगे ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स प्लस ए, सी अपॉन एक्स माइनस बी एंड डी अपॉन एक्स प्लस बी। ठीक है, एल्सियम लेके हाँ से फिर से सॉल्व आउट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू एक बार हम ए पुट करेंगे, कॉन्स्टेंट की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, यहाँ पे एल्सियम लेके इसको कैंसिल करके एक्स की वैल्यू एक बार ए रखेंगे, एक बार एक्स को माइनस ए रखेंगे, देन बी एंड एक्स को माइनस बी, चारों कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी और इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाती है, सेकंड एक्सरसाइज जो नेक्स्ट लेक्चर होगा कैलकुलस का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लेबनीज थ्योरम करेंगे हम, और वो इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक इसको ट्राई करो, खूब मेहनत करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।